हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब घर पे ठीक हो, अच्छे हो, स्वस्थ हो। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमा की फैमिली। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टोमेटो फेशियल। वैसे तो फेशियल हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है अगर हम नेचुरल तरीके से फेशियल करें तो। इसीलिए आज हम फेशियल करेंगे, वो भी एक नेचुरल तरीके से, जिससे कि स्किन हमारी एकदम सुपर डुपर ग्लोइंग हो जाएगी और स्किन की सन टैन भी हट जाएगी। तो चलिए, इसके लिए हमें दो टमाटर ले लेने हैं और उसको अच्छे से कट करके मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे और जूस निकाल लेंगे। इसके बाद हम 2 टेबलस्पून टमाटो का रस और 2 टेबलस्पून रो मिल्क यानी कि कच्चा दूध लेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम कॉटन बॉल को इसमें डिप करके चेहरे को क्लीन कर लेंगे। इसे क्लीन करने से चेहरा एकदम ग्लोइंग हो जाता है। क्लीन करने के बाद 15 मिनट तक इसको रखेंगे और फिर धो लेंगे। इस तरह आप रोजाना भी अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हो। स्क्रब बनाने के लिए हम एक बाउल में बेसन लेंगे और एक बाउल में चीनी और एक आधा कटा हुआ टमाटर ले लेंगे और इस मिक्सचर में अच्छे से इसको डिप कर देंगे। डिप करने के बाद हम इस तरह सर्कुलर मोशन में फेस पे अच्छे से मसाज करेंगे और ये स्क्रब डेड स्किन सेल को रिमूव कर देगा। और ऐसे स्क्रब करने के बाद हम 5 मिनट के बाद फेस को वॉश कर लेंगे। इस तरह हम टमाटो और चीनी के साथ अच्छे से स्क्रब करके हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं, जिससे कि हमारा चेहरा एकदम क्लीन रहेगा और डेड स्किन सेल भी चेहरे पर नहीं जमा होएगी। फेस पैक बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, टमाटर का रस, बेसन, दही और हनी। इन 4 चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। एक बाउल लेंगे खाली और इसमें 2 टेबलस्पून हम टमाटर का रस डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम दही ऐड करेंगे अच्छे से और फिर हम 1 टेबलस्पून हनी का लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। इन 4 चीज़ों को अच्छे से बाउल में डाल के मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि इसकी अच्छे से क्लियर ना बन जाए। और अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। ग्राम फ्लोर स्किन में एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करता है और दही स्किन को नरिशिंग और ग्लोइंग बनाता है। अगर आप इस फेशियल को एक बार भी करेंगे तो आप स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख पाएंगे। 15 मिनट तक हम इसको अपने फेस पे लगा के रखेंगे और 15 मिनट के बाद फेस वॉश करेंगे। अब मेरा यहाँ पे फेस सूख चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अपना फेस वॉश करके आपको दिखाऊंगी। ये मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। अब मैं इसको एक टॉवल से सुखा लूँगी। ये आप रिज़ल्ट देख सकते हो खुद ही गाइस। एक बार लगाने पे ही चेहरा क्लीन हो चुका है, डेड स्किन सेल भी रिमूव हो चुकी है। ये हम घर पे बहुत ही अच्छा फेशियल कर सकते हैं। इसको हम हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा डिफरेंस आया है। और गाइस, जो बचे हुए टमाटर है उसका क्या करें? बचे हुए टमाटरों के रस को हमने फेंकना थोड़े ना है, उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो चलिए, वो कैसे? बचे हुए टमाटरों के रस को मैंने इस कंटेनर में निकाल लिया है। इसे आप फेस टोनर के जैसे भी यूज कर सकते हो, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक आपको ककुम्बर फेस टोनर बनाना सिखाया था। तो एज इट इज आप इसको टमाटर के रस को इसमें डाल के तो गाइस सीधे आप इसको फेस को टोनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, जिससे कि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।